इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आशुतोष टंडन। 9A त्रिलोकीनाथ रोड पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आशुतोष टंडन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आशुतोष टंडन। 9A त्रिलोकीनाथ रोड पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद को मिली है धमकी। गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से मिली मारने की धमकी, फोन और ईमेल पर मिली है धमकी। गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व क्रिकेटर और भाजपा के सांसद गौतम गंभीर को मारने की धमकी मिली है, फोन और ईमेल के जरिए दी गई है उनको जान से मारने की धमकी। गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद को मिली है जान से मारने की धमकी। गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से मिली है ये धमकी, फोन और ईमेल के जरिए दी गई है ये धमकी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद को जान से मारने की धमकी मिली है। गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से मिली है मारने की धमकी, जो कि फोन और ईमेल के जरिए दी गई है ये धमकी। गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की धमकी दी गई है गौतम गंभीर को? देखिए, भाजपा के सांसद हैं गौतम गंभीर और पूर्व क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत लंबा समय उन्होंने क्रिकेट के साथ बिताया है और भारत के लिए कई बार उन्होंने बेहतर खेल दिखाते हुए भारत को कई सारे जो प्रमुख शीर्ष इनाम है वो भी दिलवाए, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात कर ले या कई सारे प्रमुख फॉर्मेट्स की बात कर ले। इस समय वो भाजपा के सांसद हैं दिल्ली से, और आज की अभी जो खबर मिली है वो यही है कि ISIS की तरफ से उनको एक मेल आया है और उस मेल में उनको जान से मारने की जो धमकी है वो दी गई है। ISIS कश्मीर का एक संगठन है जो आतंकवादी संगठन है, और उस संगठन की तरफ से जो मेल आया है, उस मेल के बाद ये बातें निकलकर सामने आई कि इस मेल के जरिए गौतम गंभीर को जान से मारने की जो धमकी है वो दी गई है। इसके साथ ही बता दिया जाए कि इस वक्त जो माहौल है वो यही है कि गौतम गंभीर के घर के बाहर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उसे और पुख्ता और बेहतर कर दिया गया है, और ये पता लगाया जा रहा है कि ये मेल कहाँ से आया है, किसकी तरफ से आया है। हालांकि इसकी जो पुष्टि है और इसकी जो चीजें हैं वो खुलकर आई हैं कि ISIS कश्मीर की तरफ से ये मेल है। अब ये देखा जाएगा कि ISIS संगठन इसकी जो जिम्मेदारी है वो लेता है या नहीं लेता है। श्वेता, किन कारणों की वजह से धमकी देने जैसी मामला सामने आया है? देखिए, कारणों की बात अभी नहीं बताई जा सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर 2007 का जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था और 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो दोनों ही भारत ने जीते थे, उसमें दोनों ही फाइनल मैचेस में उन्होंने बेहतरीन पारियां खेली थी, और ज्यादातर बताया जा रहा है कि कुछ उनकी जो बढ़ती लोकप्रियता है उस लोकप्रियता के आधार पर भी कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह का मेल करके उनकी जान को नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास है वो करने का कोई प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसे में ये जो मेल आया है, इस मेल को अब गंभीरता से लिया जा रहा है और पुलिस ने मामले को दर्ज करके इसकी जो जांच है वो शुरू कर दी है। DCP सेंट्रल श्वेता चौहान की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बैठाई गई है जो अब जांच कर रही है, और गौतम गंभीर के घर के बाहर की जो सुरक्षा है उसे बढ़ाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद को जान से मारने की धमकी मिली है, गौतम गंभीर को ISIS कश्मीर से मिली है मारने की धमकी। 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 23 से लेकर 30 नवंबर तक चलेंगी सर्द हवाएं, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट।
23 से लेकर 30 नवंबर तक चलेंगी सर्द हवाएं, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां शीतलहर 30 नवंबर तक चलने की बात कही जा रही है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। 23 से लेकर 30 नवंबर तक चलेंगी सर्द हवाएं, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके के अलर्ट जारी किए गए हैं? देखिए, इस बार जो शीतलहर है या फिर कुल मिलाकर जो ठंडी है, वो कहीं ना कहीं बीते सालों के मुकाबले ज्यादा पहले उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में आ गई है। और अभी का जो मौसम बताया जाए तो सुबह और शाम ठीक ठाक ठंड हो रही है, लोग जो गर्म कपड़े हैं वो पहनकर सड़कों पर निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सर्द का मौसम है और इसके अलावा जो शीतलहर है, वो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजधानी लखनऊ में दस्तक देने वाली है। और उसी का एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि 23 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक जो शीतलहर है वो ज्यादा प्रकोपी बनकर चलने वाली है इन प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश का नाम भी उसमें शामिल है। और 2 से 4 दिन तक हाड़ कांपने वाली जो ठंडी होती है वो भी कहीं ना कहीं होने वाली है उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में। तो ये मौसम विभाग की तरफ से एक जो अनुमान है वो लगाया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि पश्चिम दिशा से कुछ सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं, और उन सर्द हवाओं की वजह से ही ये जो शीतलहर है और जो ठंडी है वो बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है, और लोगों को अब कहीं ना कहीं ठंडी से भी बचना पड़ेगा। कौन कौन से प्रदेशों में ज्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से ये जो ठंडी हवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही हैं, और इस वक्त उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है, वहां पर जो ठंड का मौसम अगर देखा जाए तो वहां पर ठंड इस वक्त ज्यादा है। तो वहीं से जो ठंडी हवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही हैं, और उसके बाद ये पश्चिमी इलाके, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके होते हुए जो उत्तर प्रदेश का मध्य और जो पूरब का इलाका है वहां तक पहुंचेंगी। तो ऐसे में उत्तराखंड से ये हवाएं जो है वो चलती हुई आ रही है, और अब उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रकोप है वो भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएसपी कार्यालय के सामने अभ्यर्थी धरने पर बैठे, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी आज धरने पर बैठे हैं, जहां मायावती से मिलने के लिए अड़े हैं शिक्षक अभ्यर्थी, सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले पर धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी, जहां पीएसपी कार्यालय के सामने अभ्यर्थी धरने पर बैठे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएसपी कार्यालय के सामने शिक्षक भर्ती धरने पर बैठे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मायावती से मिलने की इच्छा रखते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या मांगे हैं इन शिक्षकों की? देखिए, ये अपने में एक चौंकाने वाली तस्वीर है श्वेता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती, जो की कहीं ना कहीं 10 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, 10 साल पहले 2007 में वो जीतकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और 5 साल का उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया था। उसके बाद 10 साल तक वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, बसपा सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के जो अभ्यर्थी हैं वो आज मायावती के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये अपने में चौंकाने वाली तस्वीर है कि क्या कुछ ऐसी सुबुगाहट लोगों के बीच में या इन अभ्यर्थियों के बीच में आई है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार में आ सकती है, या फिर इनसे हम गुहार लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारी जो बातें हैं वो मानी जा सकती हैं। तो ये तस्वीर अपने में कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ बयान कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, और उस चुनावी माहौल में जिस तरह से लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है वो बहुत कम हो गई है बीते सालों के मुकाबले, लेकिन जिस तरह से आज 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं ये बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के बाहर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा कार्यकाल में जो भर्तियां हुई थी उनसे ये जो अभ्यर्थी हैं ये संतुष्ट हैं।
दूसरी चीज वो ये जानते हैं कि अगर वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलेंगे, अपनी मांग उनसे बताएंगे, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उन मांगों को लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगी और कई सारे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ साथ इन मुद्दों को भी जोड़ेंगे कि लोगों को रोजगार की जरूरत है और उसमें सबसे प्रमुख 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है जिसको लेकर के अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो अभ्यर्थी है ये बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के बाहर बैठे हुए हैं और ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी समीकरण और चुनावी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय है जिसमें एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सपा और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी अपने पैर धीरे धीरे पसार रही है, अपनी जो ताकत है वो दिखा रही है। नितिन, जिस तरीके से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और आए दिन कोई ना कोई मंत्री परिषद से ये लोग मिलने के लिए जाते हैं, तो आज उनको लगता है कि अब बीएसपी में मायावती से अगर वो मुलाकात करेंगे और उनसे अपनी बात कहेंगे, बात रखेंगे, तो क्या उन बातों पे उनको निष्कर्ष मिल पाएगा? देखिए, निष्कर्ष तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, ये अभ्यर्थी ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है इस वक्त, तो किसी भी राजनीतिक दल को नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे में जो लोग बसपा को कम आंक रहे थे उसको भी अब जो ये अभ्यर्थी जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए, तो वो भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मायावती की भी जो ताकत है उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में वो बढ़ी हुई है और ऐसे में उनको ये लगता है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मायावती सत्ता में आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो उन तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है और इसी वजह से ये जो अभ्यर्थी है इस वक्त मायावती के घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सबसे प्रमुख बात है और उसी को देखते हुए अब मायावती देखते हैं कि मायावती इनसे कब मुलाकात करती हैं और इनकी बातों को सुनने के बाद सत्ता पक्ष से क्या सवाल पूछती हैं कि नहीं पूछती हैं। लेकिन इसके पहले भी ये 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के जो अभ्यर्थी थे, इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात की है, कई और प्रमुख जो नेता हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है, मुख्यमंत्री तक भी इनकी बात पहुंची है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। तो अब कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, तो ये जान रहे हैं कि विपक्ष के पास चला जाए तो शायद इस मुद्दे को कुछ हवा मिले और उनकी जो समस्याएं उनका समाधान निकल सके। पर जब बेसिक शिक्षा मंत्री से जब इस बात पे बात की जाती है तो बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब जो प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है वो सब फर्जी शिक्षक भर्ती का प्रदर्शन चल रहा है, फिलहाल वो सारे मामले सुलझ चुके हैं। देखिए, ऐसा कोई भी मामला अभी तक नहीं सुलझा है, शायद सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री की बात अगर सुनी जाए या विभाग की बात सुनी जाए तो कहीं ना कहीं विभाग मदमस्त है और इस पूरे मामले को लेकर के वो कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला है लंबे समय से चल रहा है, अभ्यर्थियों का कहना है कि जो कॉपी चेकिंग हुई है वो भी सही तरीके से नहीं हुई थी, इसके अलावा आरक्षण का भी इसमें एक मामला था कि जो आरक्षण के हिसाब से जिस तरह से नंबर देने चाहिए थे उस हिसाब से उनकी जो कट ऑफ है वो नहीं आई थी, इसके अलावा कुछ सवाल जो गलत थे उन सवालों की जब स्क्रूटनी करी गई तो उसके भी नंबर उन अभ्यर्थियों को नहीं मिले। तो कई सारे जिसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ये अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और विभाग की बात करी जाए या मौजूदा मंत्री की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं उनको सारी चीजें पता है, लेकिन वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए माहौल को सही रखने के लिए ये सारी बातों को कहते हुए नजर आते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक होता तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं एक लंबे समय से प्रदर्शन क्यों कर रहे होते, ये बड़ा सवाल दर्शाता। तो ये जो पूरा मुद्दा जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है, कब तक इसके सुलझने के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सुलझने के आसार तो अभी नहीं बताए जा सकते हैं श्वेता, क्योंकि एक लंबा समय हो गया और 70,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, 2016-17 का मामला है, 18 में कुछ इनका रिजल्ट आया था और उसके बाद से ये सारी चीजें जो हैं वो अटक गई हैं भर्ती प्रक्रिया, तो एक लंबा मामला जो है इस भर्ती के अभ्यर्थियों का वो लटका हुआ है और अभी तक किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं सामने आया है। दूसरी चीज, निष्कर्ष निकले भी कैसे, क्योंकि जब एक तरफ कोर्ट की तरफ से जब फैसला आ जाता है किसी एक मुद्दे को लेकर के तो दूसरा मुद्दा इसमें खड़ा हो जाता है, आरक्षण को लेकर अभी बीते दिनों मामला खड़ा हो गया था कि आरक्षण के तौर पर जिस तरह से जो कट ऑफ आनी चाहिए थी, जो नंबर होने चाहिए थे, वो नंबर नहीं दिए गए हैं अभ्यर्थियों को, स्क्रूटनी के आधार पर भी देखा गया कि जो सवाल गलत थे उन सवालों के भी नंबर नहीं दिए गए और कोर्ट ने भी साफ तौर पर इस बात को कहा था कि जो सवाल गलत है उनके नंबर जो है वो अभ्यर्थियों को दे देने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अभ्यर्थियों को जब वो नंबर नहीं मिले तो कट ऑफ में वो कहीं ना कहीं मेरिट में नहीं आ पाए और उसके बाद इस तरह के जो प्रदर्शन है उनकी तरफ से किए गए। तो ये सारे अलग अलग तरह के जो प्रकरण है, अलग अलग तरह के मुद्दे जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला फिलहाल नहीं है, लेकिन चुनावी मौसम है,
कुछ भी हो सकता है इस चुनावी मौसम में। शायद सरकार की तरफ से कोई नया फैसला आ जाए और उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कुछ राहत मिले, लेकिन अभी इस तरह की कोई भी जो रास्ते हैं वो निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। श्रोता जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां मायावती से मिलने पहुंचे हैं अड़े शिक्षक अभ्यर्थी जो सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की प्रेस वार्ता है। आज शाम 4 बजे पीसी करेंगे कौशल किशोर। अति विशिष्ट अतिग्रह के साकेत में होगी ये प्रेस वार्ता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की आज प्रेस वार्ता होने जा रही है जो शाम 4 बजे पीसी करेंगे कौशल किशोर। अति विशिष्ट अतिथि गृह में साकेत में होगी ये प्रेस वार्ता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर, फायरिंग के मामले में एसपी के निर्देश, फायरिंग करने वाले पे दर्ज होगा 307 का मुकदमा। जिले में समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए हैं निर्देश, लापरवाही करने वाले थाना अध्यक्ष नपेंगे। एक दिन पहले अपराध निरीक्षक हो चुके हैं लाइन हाजिर, फायरिंग के मामलों में एसपी के निर्देश। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, फायरिंग करने पर दर्ज होगा 307 का मुकदमा। जिले में समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए निर्देश। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो धीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? देखिए बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर खीरी में तबादले के बाद में, ज्वाइनिंग के बाद में नए एसपी जैसे ज्वाइन किए हैं, एक्शन मोड में दिखे हैं। कई ऐसे मामले हैं जिनमें वो एक्शन में दिखे हैं। अगर कल फिर भी उन्होंने एक नया निर्देश जारी किया, अगर फायरिंग कहीं पे होती है, अगर सूचना मिलती है तो तत्काल सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि 307 का मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर। अगर कोई भी थाना प्रभारी ऐसा नहीं करता है, अगर कमी पाई जाती है तो उसको तत्काल निलंबित या सस्पेंड या लाइन हाजिर किया जाएगा। ऐसा ही मामला सदर कोतवाली में आ चुका है जहां पर कार्य में शिथिलता बरतने पर क्राइम इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां अध्यक्ष अजय लल्लू की प्रेस वार्ता आज होने जा रही है। आज दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां तमाम मंत्रीगण आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें अजय कुमार लल्लू भी आज प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं जो दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रेस वार्ता होने जा रही है। दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में होगी ये प्रेस वार्ता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर आ रही है जहां पर आज 12 बजे लखनऊ में है आगमन। मालनी अवस्थी प्राणी उद्यान में करेंगी अंगीकरण, लोक गायिका मंगल भालू का करेंगी अंगीकरण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां आज मालनी अवस्थी 12 बजे लखनऊ के प्राणी उद्यान में अंगीकरण करेंगी मालनी अवस्थी। आज अंगीकरण करने के लिए आज लखनऊ के प्राणी उद्यान में जाएंगी जहां मंगल भालू का अंगीकरण करने के लिए पहुंचेंगी आज मालनी अवस्थी। आज 12 बजे लखनऊ में है उनका आगमन। मालनी अवस्थी प्राणी उद्यान में करेंगी अंगीकरण, लोक गायिका मंगल भालू का करेंगी अंगीकरण। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती की मौत, घर के छप्पर में फंदे से लटकता मिला है शव। सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी।
रंबुआ कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला है। घर के छप्पर में फंदे से लटकता मिला है युवती का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला है, जो घर के छप्पर में फंदे से लटकता मिला है शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है ये पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक युवती का शव फंदे पर लटकता मिला है। सूचने पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। लंबुआ कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है ये पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, 15 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा है अड़कंप। आनन फानन में मोहल्ले वालों ने दी है पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। 15 फीट लंबे अजगर को पकड़ा गया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 15 फीट लंबा अजगर मिला है। जहां आनन फानन में मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने 15 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है ये पूरी घटना। 15 फीट लंबा अजगर निकलने से लोगों में मचा है हड़कंप और आनन फानन में मोहल्ले वालों ने दी है पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है ये। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि रायबरेली में एक 15 फीट लंबा अजगर मिला है। अजगर मिलने से लोगों में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है। जहां आनन फानन में उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने 15 फीट लंबे अजगर को पकड़ा।